हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो दिस वन इज अवर पार्ट टू ऑफ चैप्टर हाइपरबोला। तो आई होप आपने जो फर्स्ट पार्ट है वो देखा हुआ होगा, क्योंकि उसी के आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मैंने हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों को ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो अपना स्काई ब्लू वाला हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पे अपन ने देखा था इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ 2a हो जाती थी, और जो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस थी उसकी लेंथ 2b हो जाती थी। और यहाँ पे जो था इसकी एसेंट्रिसिटी को अपन अभी के लिए e1 बोल देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एसेंट्रिसिटी e1 है। तो जो e1 स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे सारे फॉर्मूलाज। अब इसके रेस्पेक्ट में जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब इसके लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी वो 2b हो जाएगी, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी वो 2a हो जाएगी। इसकी जो असेंट्रिसिटी है वो e2 हो जाएगी। तो e2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर हाइपरबोला। और हर हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमेशा प्रेजेंट होता है, जैसा अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो दिस इज अवर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो यही मैंने डायग्राम में डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे, अब जो ये फर्स्ट फोकस हो गया अपना, S1 भी ले सकते हैं अपन, F1 भी ले सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे AE1, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A माइनस AE1, 0। जो वर्टेक्स होगा माइनस A, 0, और यहाँ वाला जो वर्टेक्स होगा A, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहाँ कहीं पे होगी, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहाँ कहीं पे होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। ये भी अपन ने डिस्कस किया था, इसका सेंटर यही है ना। हाइपरबोला हो या कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, सेंटर दोनों के रेस्पेक्ट में सेम होता है। यहाँ पे सेंटर क्या है? 0, 0 है। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0, b। तो इसका जो फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा 0, b, e2। और ये वाला फोकस क्या हो जाएगा? सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, 0, -b, e2 हो जाएगा। ये वाला जो वर्टेक्स हो जाएगा 0, -b हो जाएगा, ये 0, -b। इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहां कहीं पे होगी, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां कहीं पे होगी। अब जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो क्या होगी? यहां पे ये वाली इसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y = b/e, है ना। यहां पे भी क्या हो जाएगी? y = b/e, और ये नेगेटिव वाला रहेगा, y = -b/e। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो अगर आपको ये स्काई ब्लू वाला पूरा आता है, तो ये जो रेड वाला अपन कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सारे के सारे पैरामीटर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिए थे। इसके बाद इसके परपेंडिकुलर LR होती थी, LR के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जैसे ये इसके लेटेस्ट रेक्टम हुई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए थे? AE1, b² / a, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE1, -b² / a। तो आई होप ये सारे पैरामीटर्स अभी समझ आ गए हैं आपको फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में अपन ने यही डिस्कस किए थे, और ये सारा मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दो नेक्स्ट पॉइंट हैं, वो क्या है कॉन्जुगेट हाइपरबोला में? तो जो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, इन दोनों असेंट्रिसिटी, जो हाइपरबोला और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है ना, इसकी असेंट्रिसिटी में रिलेशन होता है। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? 1/e1² + 1/e2² = 1, ये निकल के आता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, सीधा MCQs में आ सकता है क्वेश्चन, JEE मेन लेवल पे। तो यस, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? द फोकी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर ऑलवेज कॉन्साइक्लिक एंड इट्स फॉर्म अ स्क्वायर एंड फॉर्म वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। तो देखो, ये जो अपने पास चार वर्टेसेस है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये हमेशा कॉन्साइक्लिक होती है, मतलब एक ही सर्किल के ऊपर होगी। जैसे मैं अगर इनको मीट करवा दूंगा, तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा,
ये क्वाड्रिलेटरल क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। अगर ये स्क्वायर होने वाला है तो देखो ये वाली लेंथ, ये चारों साइड्स भी सेम होगी, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ ओ एस, इसको अगर मैंने ओ बोल दिया, ओ एस वन इक्वल्स टू ओ एस वन डैश, दिस इज अवर एस वन डैश, ये दोनों भी सेम होंगे, है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ओ एस वन इक्वल टू ओ एस वन डैश, है ना। अपन ये प्रूफ कर रहे हैं ये वाला रिजल्ट कहां से आया। नाउ ओ एस वन इज नथिंग बट ए वन एंड ओ एस वन डैश इज नथिंग बट बी ई टू। यहां से ए अपॉन बी इक्वल टू ई टू अपॉन ई वन निकल के आया। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई टू स्क्वायर अपॉन ई वन स्क्वायर। अब यहां से आपको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों की वैल्यू अपन ने लिखी हुई है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मैं यहां से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ई टू स्क्वायर माइनस वन, वो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो। ई टू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ई टू स्क्वायर अपॉन ई वन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर इक्वल टू ई टू स्क्वायर। तो यहां से ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। दोनों तरफ जब आप ई वन स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर का डिवाइड करोगे या फिर इसको रेसिप्रोकल में लेके चले जाओ, यू विल गेट दिस रिजल्ट, वन अपॉन ई वन स्क्वायर विच इज वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर इक्वल टू। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला द रिलेशन बिटवीन द एसेंट्रिसिटी ऑफ बोथ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो आई होप ये आपको समझ आया है। यस, नेक्स्ट वन वी हैव अ क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है पर इससे आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ हाइपरबोला एंड अल्फा वेरीज, मतलब अल्फा चेंज हो रहा है, मतलब ये एक वेरिएबल है। नाउ चार ऑप्शन पूछे हैं, ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एप्सिसा ऑफ फोके रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एप्सिका ऑफ वर्टेसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चारों में से कौन सा सही है। तो यहां से हाइपरबोला की ये इक्वेशन है, तो मैं यहां से देख सकता हूँ कि ए की वैल्यू कॉस अल्फा है एंड द वैल्यू ऑफ बी विच इज साइन अल्फा। पहला ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो जो असेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, अपन को याद है ये फॉर्मूला। नाउ ई स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद, यू विल गेट वन अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जो ई इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस अल्फा। ये ई की वैल्यू फाइंड आउट हुई है आपके पास जो कि अल्फा की फॉर्म में आ रही है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ई रिमेन्स कांस्टेंट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एप्सिसा ऑफ फोकी इज कांस्टेंट, अब जो फोकस होता है इसके लिए वो क्या था, ए ई कॉमा जीरो, है ना। अपन ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में जब अपन ने पॉइंट स्टार्ट किया था, इसको अपन एप्सिसा बोलते हैं, इसको अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, एप्सिका को एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो एप्सिका एप्सिसा हियर विच इज ए ई कॉमा जीरो, नाउ द वैल्यू ऑफ ए विच इज कॉस अल्फा इंटू वैल्यू ऑफ ई विच इज वी दैट वी हैव फाइंड आउट विच इज वन अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉमा जीरो। तो ये वन कॉमा जीरो आएगा, अब इसमें अल्फा नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉन्स्टेंट है। तो एप्सिसा ऑफ फोकी इज कॉन्स्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। रिमेनिंग ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, अब करेक्ट ऑप्शन तो अपन को मिल ही चुका है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, नाउ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्व टू एक्स इक्व टू ए अपॉन ई, द वैल्यू ऑफ ए विच इज कॉस अल्फा अपॉन वैल्यू ऑफ ई विच इज वन अपॉन कॉस अल्फा विच कम आउट टू बी कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एप्सिस ऑफ वर्टेसिस रिमेन कॉन्स्टेंट, अब जो वर्टेक्स होता था ए कॉमा जीरो या प्लस माइनस ए कॉमा जीरो भी आप बोल सकते हो, दो वर्टेक्स थे अपने पास, तो दोनों में ही कॉस अल्फा आने वाला है,
ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉमा जीरो, तो ये भी अल्फा के फॉर्म में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हुआ अपने पास, सेकेंड ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। यस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एक्सिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम फोकल आर 3 and 1। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें अगर सॉल्व नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर तो मे बी आप इसको रॉन्ग कर दो। तो ये अपना हाइपरबोला हो गया, ये इसका एक वर्टेक्स हो गया है ना, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो कोई भी मैं एक वर्टेक्स ले लूंगा, या फिर मैं ये वाला भी ले सकता हूँ या फिर मैं ये वाला भी ले सकता हूँ। और हुज एक्सिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, और जो मतलब सेंटर जो होगा ना उसका 0,0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है यहाँ पे। ओके नाउ पहला जो वर्टेक्स मैंने सपोज किया वो ए कॉमा जीरो मैंने कंसिडर कर लिया, अब इसका फोकस क्या हो जाता है ए ई कॉमा जीरो फर्स्ट फोकस, और सेकेंड फोकस क्या हो जाता है माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसने क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ इट्स वर्टेक्स मतलब ये रही वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, इससे फ्रॉम इट्स फोकी आर 3 and 1 मतलब यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस। अब देखो इसको मैं 3 तो नहीं बोल सकता, इसको मेरे को लॉजिक है 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो कम है, और इस वाले वर्टेक्स से दूसरे वाले फोकस की डिस्टेंस मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इसी को मैं 3 लूंगा है ना। अगर आप यहां 1 लिखोगे यहां पे 3 लिखोगे तो वो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, आपको दिख ही रहा है। तो आई होप आपको बात समझ आई है क्या हुआ है। तो यहां पे ये अपने पास जो सेंटर है इसका विच इज 0,0 ये सेंटर है यहां पे। अब यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है ए ई, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है ए, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब ए ई माइनस ए उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और यहां पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये वाली डिस्टेंस है ए, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस ए ई है, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल, तो ए ई प्लस ए इक्वल टू 3, दोनों को डिवाइड कर दो तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 ई माइनस 3 इक्वल टू ई प्लस 1, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 2 ई इक्वल टू 4 एंड ई इक्वल टू 2। तो यहां से e की वैल्यू 2 आ गई है। अब अगर e की वैल्यू 2 आ गई है तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a इंटू ई की वैल्यू 2 माइनस a इक्वल्स टू 1, a कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मतलब a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1 हो गई, a आ गया e और a आ गया e भी आ गया मतलब b आ जाएगा, e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बाई यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e विच इज 2 स्क्वायर ऑफ 2 विच इज 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर विच इज 3 4 माइनस 1 विच इज 3, तो ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी आ गया, और इसने बोला हुआ है सेंटर 0,0 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज 3 इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अच्छा क्वेश्चन था, और जो बेसिक आपको जो सिखाया है वो ध्यान रखना, असेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला की वो ग्रेटर देन 1 होती है। सपोज करो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और यहाँ पे आपको असेंट्रिसिटी की वैल्यू जो मिल रही है वो 1/2 मिल रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि हाइपरबोला के केस में असेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी कभी नहीं होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1/2 आ रहा मतलब आपने इलिप्स का कोई फॉर्मूला यूज कर दिया है या फिर इस टाइप का कुछ मिस्टेक हुई है, ये आपको समझ जाना चाहिए यहां से। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। यस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हाइपरबोला बताना है जिसका सी मतलब सेंटर है, तो ये सेंटर हुआ विच इज 3,2, हाइपरबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, फोकस क्या हुआ 5,2, तो ये 5,2 है,
एंड वन वर्टेक्स, वन ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव वर्टेक्स यहाँ पे आना चाहिए विच इज 4,2। तो ये वाला मैं वर्टेक्स नहीं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, बेसिक लॉजिक है आपको यही वाला वर्टेक्स लेना पड़ेगा 4,2। तो देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये इस एक ही बेस पे है। तो जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी ना, ये 1 के इक्वल होगी, और यही किसके इक्वल होता है आपके पास, a के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई आपके पास, 4-3 1 होगा, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जो फोकस तक की डिस्टेंस थी, या फिर ये जो फोकस वाला पॉइंट था, ये क्या था, ए ई, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ए ई के इक्वल होगी। तो जो ए ई है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, 5-3 दैट मीन्स 2 के इक्वल है, और a इक्वल टू 1 है मतलब e इक्वल टू 2 हो गया। तो e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर विच इज 3। तो जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी, वो हो जाएगी x-3 अपॉन 1 होल स्क्वायर माइनस y-2 होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये अपन ने b स्क्वायर की वैल्यू इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट की थी, सेम ही था उसमें, ए की वैल्यू 1 थी और असेंट्रिसिटी 2 निकल के आई थी। ओके दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉन्फोकल। अब कॉन्फोकल का मतलब क्या है, दोनों के फोकस सेम है, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इफ E1 एंड E2 आर द असेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल टू व्हाट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व होगा, और आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हो व्हाट विल बी द आंसर। तो देखो यहाँ पे अपने पास, मैं एलिप्स बना दूंगा सबसे पहले, ये एलिप्स बना, इसका ये फोकस हो गया और ये दूसरा फोकस हो गया, तो अपना जो हाइपरबोला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब इसका जो फोकस है हाइपरबोला का वो भी सेम है, और जो एलिप्स का फोकस है वो भी सेम है। ठीक है, तो सपोज करो अपना जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन हो गई x² / a² + y² / b² = 1, और जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन हो गई x² / A ले लो प्लस y² / B² = 1, प्लस नहीं आएगा, बीच में माइनस आएगा यहाँ पे। ओके तो ये मैंने कंसिडर कर लिया, अब इसके अकॉर्डिंग फोकस क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग फोकस हो जाएगा a E1, 0, और इसके अकॉर्डिंग फोकस क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फोकस हो जाएगा a E2, 0, A E2, 0, है ना। E1 जो है अपने पास एलिप्स की, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ एलिप्स, मतलब E1 एलिप्स के लिए है और हाइपरबोला के लिए E2 यूज हो रही है, तो यहाँ पे a E2, 0 और यहाँ पे a E1, 0। तो पहली इक्वेशन आई थिंक आपको समझ आ गई वो क्या होने वाली है, a E2 = a E1। तो यहां से A/a = E1/E2 आ गया, ये तो अपन ने रिजल्ट ड्राइव कर लिया है यहां से। सेकंड केस वो क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट एक्सिस, इस हाइपरबोला को देख के बताओ आप, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी थी, 2b इज इक्वल टू द माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। अब माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स क्या होगी, 2b, जो मेजर एक्सिस है वो यहाँ पे 2a है और जो माइनर एक्सिस है यहाँ पे वो 2b होगी, है ना। जो स्टैंडर्ड अपन ने बेसिक पढ़ा हुआ है अपन वैसे ही कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि a इज ग्रेटर देन b है या b इज ग्रेटर देन a है, जो नॉर्मल अपन पढ़ते हुए आते हैं a इज ग्रेटर देन b वाला केस, जिसके लिए अपन सारे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, अपन वही यूज कर रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b = B हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट b = B। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो इसका, तो यू विल गेट b² = B². अब अगर आपको याद है यहाँ पे जो फॉर्मूला था, मैं e1² = 1-b² / a², ये फॉर्मूला था आपको याद है असेंट्रिसिटी का फॉर एलिप्स, तो यहां से a² e1² = a² - b² हो जाएगा। तो मैं यहां से b² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, a² कॉमन आ जाएगा, e1² + 1 हो जाएगी,
इन द सेम वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी स्क्वायर, है ना। मैं अभी सीधा लिख रहा हूँ, इसके लिए आपको ई टू स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आप यूज करोगे, है ना। अपन कैपिटल यूज कर रहे हैं तो इसको कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर आप ले लीजिए। तो यहां से जो कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है आपको, वो फाइंड आउट होगी ए स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर माइनस वन, है ना। तो ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हुई है, या फिर जो आपको रिजल्ट सीधा भी आपको याद हो सकता है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट कैपिटल ए स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर इंटू ई वन स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब कैपिटल ए स्क्वायर, कैपिटल ए अपॉन कैपिटल इस कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू तो अपन को पहले से पता है, तो दोनों को डिवाइड करके आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, यू विल गेट फाइनल आंसर। मैं सॉल्व कर देता हूं, कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर माइनस वन, इसकी वैल्यू होगी ई वन स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर, ई वन स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस ई वन स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। तो यहां से जो आपके पास टू ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर फाइंड आउट हो रहा है, डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट विच इज वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर इक्वल टू टू। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, पर इसमें जो बेसिक रिजल्ट है आपके वो यूज होंगे और अच्छा क्वेश्चन था। यस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी बेसिक है, सभी के नोट्स में होता है, तो देख लो क्या है ये। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली द गिवन सर्कल इज अ हाइपरबोला। तो सपोज करो ये एक सर्कल है फिक्स, और ये एक दूसरा सर्कल हो गया, और ये एक और सर्कल हो गया। तो दिस इज अवर सेंटर, दिस इज अवर सेंटर वन, दिस इज अवर सेंटर टू। इसकी जो रेडियस है आर वन हो गई, और इसकी जो रेडियस है आर टू हो गई। इसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर बोल दिया, और इसकी रेडियस को भी मैंने स्मॉल आर बोल दिया। तो जो सी वन सी की वैल्यू है वो आर प्लस आर वन है, और जो सी टू सी की वैल्यू है विच इज आर प्लस आर टू, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वॉट यू विल गेट सी वन C माइनस सी टू सी इक्वल टू आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट आर वन प्लस आर टू। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सी सी वन माइनस सी सी टू मोडुलस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू विच इज कॉन्स्टेंट। ये तो है, प्रूव दैट लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली द गिवन सर्कल। पहला वाला लेक्चर आपने देखा है, तो यहां से वही वाली फील आ रही है आपको, पी एस वन माइनस पी एस टू इक्वल टू अपन ने टू ए लेके सॉल्व किया था, है ना। तो जो लोकस ऑफ पी होगा वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, एक हाइपरबोला के पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो सी होगा ना एक हाइपरबोला के ऊपर सिचुएटेड होगा, जिसके जो फोकस होने वाले हैं वो सी वन एंड सी टू होने वाले हैं, है ना। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपन ने एक पैराबोला में भी पढ़ा था, वो भी काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सिमिलर वे में आपको ये भी ध्यान रखना है ये क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हुआ, जो रिजल्ट है या जो लोकस है वो क्या आने वाला है आपके पास, हाइपरबोला आने वाला है। तो ये जो बेसिक एप्लीकेशन थी हाइपरबोला की, जो डेफिनेशन थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन था।